कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत को और हसीन बनाता है गुलमर्ग। तो आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और हम रुके हैं श्रीनगर के होटल एस्कॉर्ट में। हर बार की तरह मुझे सुबह उठने में होती है देरी। सभी मेंबर्स नीचे जा चुके हैं, खाना खा के रेडी हो चुके हैं, तो हम भी फटाफट चले नीचे चलते हैं और खाते हैं कुछ और जल्दी। तो अभी हम श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकल चुके हैं और श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 51 किलोमीटर पड़ता है, तो एक घंटे के अराउंड टाइम लगने वाला है। तो अभी हम पहुँचे हैं टनमर्ग और यहाँ से हमारी ट्रैवल वैन जो है वो आगे अलाउ नहीं करते हैं, तो हमें लेनी पड़ेगी अलग से टैक्सी जिनके टायर में लगी होती है चेन, और यही चेन हमारी गाड़ी को बर्फ में फिसलने से बचाती है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है क्योंकि वेदर है जो एकदम से क्लियर है, अच्छे से धूप निकली है और पूरा व्यू एकदम से क्लियर नज़र आ रहा है। I'm not afraid to die.
कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत को और हसीन बनाता है गुलमर्ग। दरअसल गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। गुलमर्ग में कई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और इसलिए बॉलीवुड के लिए यह जगह बेहद खास है। और साथ ही वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Yes, nice bro. Very good. Thank you. मोहिनेश्वर शिवालय मंदिर, जिसे रानी मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि गुलमर्ग के सभी कोनों से देखा जा सकता है। और साथ ही वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।